हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को पुनः एक बार स्वागत करता हूँ आईटीआई टेक्निकल स्किल सिवान में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, यानी कि हम जानेंगे जो हमारा 29 नवंबर 2020 के पेपर अपलोड किया गया था, उस पेपर का दूसरा प्रश्न को हम देखेंगे, जिसमें पूछा गया था मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर का ट्रूथ टेबल लॉजिक गेट। तो यहाँ पर हम देख लें कि मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर का सिम्बल क्या होता है, उसके साथ साथ उसका सर्किट डायग्राम और उसका ट्रूथ टेबल बनाया जाता है, इनके बारे में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक बात चीज़ों के बारे में देखते हैं और थोड़ा सा डिटेल। और मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर पूरी थ्योरी के हम वीडियो एक दूसरे वीडियो में देंगे, जो सिंगल सिंगल आएगा, तो उसमें आपको इसके सारे जो ट्रूथ टेबल ये निकाले जाते हैं, किस प्रकार से निकाले जाते हैं, कैसे ये अपना वर्क करता है, इससे सारे रिलेटेड बातों को हम बताएंगे। पहले हम देखते हैं ये सिंबल बनाया गया है, सिंबल में क्या क्या चीज़ होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको इस प्रकार से सभी चीज़ों को बताया गया है, कि यहाँ क्या है, S1 S2 है। S1 S2 कैसे है, तो यहाँ पे इसको जो बोला जाता है क्या है, सिलेक्ट स्विच बनाया गया होता है। S1 S2 सिलेक्ट स्विच है। यहाँ ई से क्या बोलते हैं, इसे ई से इनेबल बोलते हैं, ई से इनेबल होता है उसको आपको। दूसरा यहाँ पे क्या है कि ये डाटा इनपुट है, डाटा इनपुट, यहाँ से डाटा इनपुट किया जाएगा D0 D1 D2 D3। और यहाँ पे आउटपुट जो होगा वाई नॉट होगा। यहाँ देखेंगे कि वाई नॉट है, वाई नॉट क्या है, तो आउटपुट है, जहाँ से एक आउटपुट होगा। तो हमेशा आपको मल्टीप्लेक्सर के अंदर देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे मैनी मैनी इनपुट और आउटपुट वनली वन होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। इस प्रकार से ये सिंबल होता है और इसका ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे बताया गया। तो ब्लॉक डायग्राम को जो बात यहाँ हमने बताया कि यहाँ पे आपके आउटपुट होता है, यहाँ पे डाटा इनपुट और इनेबल होता है, वहीं से इनेबल यहाँ से, और ये क्या है, सिलेक्टिंग स्विच है, और यहाँ पे डाटा इनपुट है D0 D1, और यहाँ पे आपको आउटपुट है Y0, और यहाँ पे क्या है 2:1 है, और यहाँ पे 4:1 बताया गया है, यानी कि आपको ये दो इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, यहाँ पे चार इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। तो इस प्रकार के हमेशा आउटपुट में हमेशा वन वन मिलेगा, ये आपका मल्टीप्लेक्सर के अंदर होगा। दूसरा आगे देखेंगे इसका लॉजिक गेट कैसे होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपका पूरा पूरा लॉजिक गेट बनाया गया है। किसका बनाया गया लॉजिक गेट, तो मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक गेट है। कल के वीडियो जो बनाया गया था, उस वीडियो में आपको बताया गया था कि यहाँ पे आपको बहुत सारे जो गेट्स के बारे बताया गया था, कि आपको एन गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉन गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट बताया गया था। तो इसमें आपको उन गेटों का यूज करना है। यहाँ पे आपको नॉट गेट है, यहाँ नॉन गेट है, और यहाँ पे और गेट है, यानी कि इसमें तीन गेट का उपयोग करके इसे बनाया गया है। और इसमें क्या क्या होता है, आपको कल बताया गया था कि कोई भी हम गेट बनाएंगे तो उसमें आपका इनपुट होगा ए और बी होगा। ये कि यहाँ पे क्या है, ये S1 है, यानी कि यहाँ से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे डाटा इनपुट है और ये डाटा इनपुट है, और यहाँ पे आपको नॉन गेट है, ये नॉन गेट है, यहाँ और गेट है, यानी कि सभी आपको इनपुट को कितना, जो भी इनपुट है यहाँ से इनपुट को क्या करेगा, लेकर फिर इसे एक आउटपुट में कंट्रोल करके देगा। यानी कि इसका एक दूसरे तरीका से हम देखेंगे डायग्राम में, इस प्रकार से, जिसमें आपको बहुत सारे डाटा इनपुट किए जाएंगे इस तरह से, और यहाँ से एक यहाँ पे सिलेक्टिंग स्विच बनाया जाएगा। सिलेक्टिंग स्विच के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो सिलेक्ट करता है, ये सब को डाटा सब हो जाएगा, ये डाटा इनपुट होगा, सारे डाटा में से एक को सिलेक्ट करके यहाँ आउटपुट करेगा, यानी कि यहाँ सभी डाटा इनपुट हो रहा है, वहाँ से सबको कंट्रोल करके सिलेक्टिंग स्विच के माध्यम से, और यहाँ आपको आउटपुट कर रहा है। तो ये कब आउटपुट करेगा, कब आउटपुट नहीं करेगा, ये इनेबल पर डिपेंड करता है, आपका लॉजिक गेट हुआ। नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल को। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम में बता दिया गया किस प्रकार से होता है। यहाँ पे आपको लिखे हुए मिलता है N:1, यानी कि एन ऑफ नंबर ऑफ इनपुट होगा एन, और यहाँ पे आउटपुट वन होगा, हमेशा ऑन आउटपुट होगा। तो ये आप देख लिया इस ब्लॉक डायग्राम को, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखेंगे, ये आपको लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट में जैसे इनपुट करेंगे वहाँ पे आउटपुट जाएगा। यानी कि हमने क्या किया कि सिलेक्टिंग स्विच को 0 दिया, तो हमारा D1 जो इनपुट है 0 है, और नॉट जो है 0 है, यानी कि सभी आपको मतलब इनपुट 0 0 दिया गया तो आउटपुट हमें मिलेगा 0। नेक्स्ट में क्या है कि जो सोर्स है वो इनपुट वहाँ पे 0 है, D1 में भी 0 है, और D0 में 1 है, तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा।
नेक्स्ट में क्या है कि यहाँ पे सोर्स जो सेलेक्टिंग स्विच है वहाँ जीरो है, फिर यहाँ पे डी वन हमारा जो दिया गया वन है, डी नॉट है जीरो, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा वन। नेक्स्ट में क्या है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि सेलेक्टिंग स्विच में जीरो है, डी वन का वन है और डी नॉट का वन है, तो यहाँ पे आउटपुट वन मिला। तो प्रकार से आपको ट्रुथ टेबल बनाना था, इसमें क्या करता वाला है आपको सेलेक्ट लिखना था, इसमें सेलेक्टिंग करने के लिए यहाँ पे इनपुट होगा, जो इतना इनपुट का बनाएंगे तो यहाँ पे हमने बनाया है कितना 2:1 का, मतलब 2:1 टाइप का मल्टीप्लेक्सर बनाया है, इसका लॉजिक गेट यह। तो ये आपने देखा यहाँ तक ट्रुथ टेबल था। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक फार्मूला मिलता है जो 2m = n, यहाँ पे n कितना आएगा जब आप यहाँ पे m का मान यदि आप 1 रखते हैं तो यहाँ पे कितना मिला 2, यदि यहाँ पे आप देखते हैं कि m के जगह पे आपने 2 रखा तो n कितना मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर 2 करते हैं तो यानी कि 4 मिलता है, तो n का मान कितना मिल गया 4, जो कि पीछे बताया गया था सिंबल में। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि 2^3 रखते हैं तो कितना मिलता है 8, यही 2^4 आप देखते हैं कि यदि हम 4 रखते हैं तो वहाँ कितना मिलता है, 2^4 जब 4 करते हैं तो कितना जाता है 16। इस प्रकार से आपके ये डाटा मिलता है, यानी कि आपको सारे के सारे इनपुट होगा, यानी कि अभी क्रम में देख ले, हम यहाँ लिख कर देख लेते हैं कि पहला हमने लिया था m का मान 1 तो मिला था 2 1, और m का मान यदि हमने 2 लिया था तो मुझे मिला था कितना जी 4, यानी 4 1, और m का मान जी 3 रखे थे तो कितना हो गया 8 1, और m का मान 4 रखे थे तो यहाँ पे मिला 16 1। इस प्रकार से ये आपका मल्टीप्लेक्सर होता है, और डी मल्टीप्लेक्सर में इसका उल्टा हो जाता है ना, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 हो जाएगा, डी मल्टीप्लेक्सर में इसका उल्टा हो जाता है, सभी डाटा इसका उल्टा हो जाएगा। ये गेट बनाएगा, यहाँ पे इनपुट एक हो रहा है तो उसमें आउटपुट जो उतना का दिएंगे उतना होगा, तो इस प्रकार सभी इसके अपोजिट में बनाया जाता है। मल्टीप्लेक्सर में आपको एक इनपुट होगा और बहुत सारे आउटपुट होगा, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया कितना एक इनपुट और बहुत सारे आउटपुट। जैसे इसको फॉर्मूला में हम क्या कहते हैं 2n = m मिलता है, जहाँ पे S1 S2 आपका सेलेक्टिंग स्विच होगा, और यहाँ पे आउटपुट में जो होगा Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 होगा। यहाँ पे डी मॉक्स लिखा जाता है ना, जिसे डी मॉक्स से हम डिनोट करते हैं डी मल्टीप्लेक्सर को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4:1 का दिखाया गया है। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे इसका ब्लॉक डायग्राम इस प्रकार से होता है। ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनपुट डाटा होगा और यहाँ पे इनेबल होगा, यानी कि एक इनपुट डाटा और एक इनेबल होगा, नीचे में आपका सेलेक्टिंग स्विच दिखाया गया होता है, और यहाँ पे आउटपुट दिखाया गया जो Y0, Y1 दिखाया गया था, और यहाँ पे कौन सा बनाया गया है तो 1:2 का बनाया गया डी मल्टीप्लेक्सर, यानी डी मॉक्स। नेक्स्ट में आप क्या करते हैं कि यहाँ पर देखेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में क्या होता है, किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं हम। इस लॉजिक गेट में देखेंगे कि क्या होता है, इसमें आपको बताया गया कि हमारा कितना इनपुट होना चाहिए, एक इनपुट होना चाहिए, आउटपुट कितना होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डी है, डी आपको डाटा इनपुट है, और यहाँ पे एस है, तो एस क्या है कि सिलेक्टिंग स्विच है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करेगा। बाद में यहाँ देखते हैं कि नॉट गेट लगाया गया, उसके बाद है कि एंड गेट है, और यहाँ भी एंड गेट है, और आउटपुट क्या है तो Y0 और Y1 हो रहा है। इस पे यहाँ से आपको गेट की चर्चाएँ कल हुई थी वीडियो में, कि गेट को आपको ज़रूरत पड़ेगा अगले वीडियो में। तो यहाँ देख लीजिए किस प्रकार के गेट के ही कम्बिनेशन से यहाँ पे आपको ये सभी सर्किट डायग्राम बनाए गए हैं, जो कि मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर के हैं, जहाँ यहाँ डी मल्टीप्लेक्सर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसे कंट्रोल करके सर्किट, यानी कि आपको 3 यहाँ पे गेट का यूज करके बनाया गया है। तो ये इस प्रकार से होता है, सजाने के लिए आप सजाएंगे इस प्रकार से, इसमें बना लेंगे। नेक्स्ट में ट्रुथ टेबल को देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट है, सिलेक्टिंग स्विच का ये टेबल है, यहाँ पे डाटा इनपुट का ये कॉलम है, और यहाँ पे आउटपुट का कॉलम है, यानी कि Y0 और Y1 का ये डाटा बताए, यानी कि आउटपुट में हमें क्या मिलेगा। जिसे आप लोगों ने बाइनरी सिस्टम में पढ़ा होगा, 1 0 1 करके आता है या 1 1 आता है, तो उसमें किस प्रकार 0 0 में 0 आता है, 1 0 1 में 1 आता है, 1 0 1 आता है, तो इस प्रकार से वहाँ डाटा आता है, वहीं आपके यहाँ भी यूज करना है। अब देखिए किस प्रकार से क्या करना है, तो हमने क्या किया कि सिलेक्टिंग स्विच को नॉट दिया, मतलब 0, फिर आपने सोर्स में क्या किया नॉट दिया, तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा, Y1 में भी क्या होगा 0 होगा, वहीं आपने सोर्स को क्या किया 0 रखा, और फिर डाटा को हमने 1 दिया, तो आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है जी, आउटपुट मिल रहा है 0 नॉट में, फिर Y1 में क्या मिलेगा 1 मिला, यानी कि एक बार यह काम करेगा एक बार नहीं करेगा। दूसरा है कि सोर्स को हमने क्या किया कि सब 1 दिया, फिर क्या करेंगे कि अपने डाटा को 0 दिया,
वाई वन में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। वाई टू में क्या मिलेगा जी, वन मिलेगा। नेक्स्ट में क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सोर्स में वन है, डाटा में जीरो है, वाई वन में जीरो, वाई नॉट में भी जीरो। और नेक्स्ट में देखेंगे क्या है कि सोर्स में है यानी सिलेक्टिंग जो हमारा स्विच है उसमें वन है, डाटा इनपुट में आपका वन है और आउटपुट में हमारा देख रहे हैं वन है, और यहाँ पे दूसरा वाई वन डाटा है आउटपुट है वहाँ पे जीरो होगा। तो इस प्रकार से आपको ट्रुथ टेबल बनाना था, आप बनाया है, और जो मैंने यहाँ पे बताया आपको वो इसके वीडियो में थोड़ा सा नीचे कट गया था, फिर समझ लेंगे। इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ आपको फार्मूला लिखा है 2k पावर m इक्वल टू n, यानी कि आपको कितना इनपुट आएगा वहाँ पे बताएगा कितना इनपुट इसमें दिया जाएगा इस फार्मूले से। यानी कि आप 2k पावर आपने 1 रखा तो 2 मिला, 2k पावर आपने 2 रखा तो यहाँ पे 4 मिला, 2k पावर यहाँ पर 3 रखा तो आपने 8 मिला, 2k पावर आपने यहाँ 4 रखा तो 16 मिला। उसी प्रकार से यहाँ भी आपको ये फार्मूला लिखा गया, तो आप देख पा रहे हैं 2n के पावर m, यानी कि यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे आपने 2k पावर यानी n के जगह पे 1 रखेंगे तो आपको m का मान मिलेगा कि वो कितना है, यानी कि यहाँ पे कितना मिलेगा जी, 2 मिलेगा। ठीक है, यदि फिर हमने क्या किया कि 1k पावर 2 कर दिया तो कितना मिलेगा जी, 4। 4 क्या है, यहाँ पे आउटपुट है और यहाँ पे n क्या है, इनपुट है। तो आप यहाँ देख रहे हैं हमने क्या किया कि किसके 3 रखा जी, तो 3 के रखेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। वहीं हमने 2k पावर 4 रख लिया तो कितना होगा, 16 जी। ये सब आउटपुट आ रहा है, क्या ये सब के सब क्या आ रहा है, आउटपुट मिलेगा। तो ये आउटपुट होगा, हमेशा इसमें क्या होगा, इनपुट 1 होगा और एक्स लिख देते हैं तो यहाँ पे आपको आपको वेरी करते रहेगा एक्स वाला वैल्यू, और यहाँ जो था कि आपको एक्स का वैल्यू वेरी करेगा और हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। यानी आउटपुट यहाँ 1 मिलता था, एक्स क्या था आपको बहुत सारा इनपुट था, यहाँ क्या हो गया उसके उल्टा हो गया, सभी चीज़ इसके विपरीत होते जाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने सारे चीज़ों को ट्रू टेबल एंड लॉजिक डायग्राम ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ट्रू टेबल एंड लॉजिक डायग्राम ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर का यहाँ से यहाँ तक, यानी कि दो भाग हम इसे कर सकते थे, यानी कि यहाँ से यहाँ ये आपको दो भाग कर दिए, ये आपको डी मल्टीप्लेक्सर था, ये आपको मल्टीप्लेक्सर था, इसके पूरे डाटा आपको बताया मैंने और समझाया। तो आप इसका और सारे डिटेल चाहते हैं तो इस पर आप अपना राय दें, कमेंट दें, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें, और फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें आपको सीआरओ को पूछा गया यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में, उसके ब्लॉक डायग्राम को बताना था, तो मैं उसके जल्द ही हम लेकर आएंगे वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।